दर्शन भावात्माओं, वो जीवन अच्छा था या ये जीवन अच्छा है ये सोच रहा हूं। 10 दिन का आनंद अच्छा था या आप सबका आनंद अच्छा है ये सोच रहा हूं। बोलना अच्छा है या मौन रहना अच्छा है ये सोच रहा हूं। विचार करो, 10 दिन आपने मुझे ज्यादा याद किया या जब मैं बोल रहा था तब ज्यादा याद कर रहा था या सोच रहा हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं जो 10 दिन तक हमारे साथ हमारे साधकों ने साधना की अब वो क्या करेंगे ये सोच रहा हूं। आप विचार करना, 10 दिन कहां चले गए पता नहीं चले। हमारे साधकों ने तो कहा हमारा 10 दिन क्या 3 महीने कहां चले गए पता नहीं चले। जीवन का बहुत आनंद है लेकिन हम उस आनंद को बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। हकीकत में अगर बाहर की दुनिया में आनंद होता तो हमारे परमात्मा को अपने अंदर लौटने के लिए मौन नहीं होना पड़ता। बाहर की दुनिया में समाधान होता तो हमारे परमात्माओं को अपने अंदर से समाधान खोजना नहीं पड़ता। बाहर की दुनिया दिखावे की दुनिया है, जो दिखता है वो बिकता है लेकिन अंदर की दुनिया अनुभव की दुनिया है। जो अनुभव में आता है वो एक दिन इस संसार से अतीत हो जाता है। ख्याल करो, घर में देखो, परिवार में देखो, समाज में देखो, देश में देखो, बोलने वालों की वजह से झगड़े हैं, मौन रहने वालों से कोई झगड़ा नहीं करता। आप घर वाली दृष्टि देखो, चाहे घर हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, संघ हो, जो ज्यादा बोलता है ना बस वहीं से झगड़ा शुरू होता है। और जो शांत रहता है ना, विचार करना, बने रहो कूल, मजा मिलेंगे फूल। लोगे ज्यादा टेंशन तो घर वालों को मिलेगी पेंशन, काम खत्म तुम्हारा। जितना आनंद तुम्हारे पास है उतने लूटने का प्रयास करो। अध्यात्म शांत है, भौतिकता बोलती है। अध्यात्म में शांति है और भौतिकता में बोलना होता है। संन्यास शांत है, संसार बोलता है। आप विचार करो, अध्यात्म शांत है और भौतिकता बोलती है। संन्यास शांत है और संसार बोलता है। ख्याल करो, हमारे जीवन में सिक्के होते हैं ना वो बोलते हैं, नोट होते हैं ना वो शांत रहते हैं। विचार कर, जीवन में ख्याल करके रखना, तुम्हारी गाड़ी में हॉर्न बजता है किसके लिए? हॉर्न बजता है दूसरों के लिए। और ब्रेक लगता है किसके लिए? अपने लिए। जो बोलता है वो दूसरों के लिए बोल रहा है और जो ब्रेक है ना वो बोलता नहीं है, वो शांत रहता है। उस शांत रहने में वो शिक्षा दे रहा है, शांत रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बोलते रहोगे तो दूसरों को जगाते रहोगे। आप विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करो। सूरज, चांद, वृक्ष शांत रहते,
दूसरों को बहुत आनंद देते हैं, लेकिन समुद्र में तूफान आता है, नदियों में, झरनों में, उसमें आदि बहकर डूब जाते हैं। विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करना अपने जीवन में, मौन की क्या तुम्हें बताएं अपनी अनुभूति, मौन की क्या बताऊं तुम्हें 10 दिन की अनुभूति, हमने अपनी आत्मा से ज्यादा कर ली फिर थी। मौन की क्या बताऊं तुम्हें अनुभूति, हमने अपनी आत्मा से ज्यादा कर ली फिर थी, भूल गए सबको और भूल गए न्याय रीति, बस पता ही नहीं चला 10 दिन में कौन सी घड़ी कब बीती, कौन सी घड़ी कब बीती। 10 दिन का समय ऐसा निकल गया पता ही नहीं चला। और वास्तव में जो आनंद हमने और हमारे साथ जिन्होंने तपस्या की, साधना की, भूतों न भविष्यति, उन लोगों के जीवन में ऐसा समय आने वाला नहीं है कभी भी कुछ नहीं कर लिया। मुझे तो आनंद तब आता था कि वहां ने पूछा कितनी माला फिरोगे, 125 बस महाराज। और वो 125 माला वाले 1250-1200 माला फेर ले, 700 माला, 500 माला, 300 माला, 200 माला, पूरे पूरे परिवार के साथ माला फेर लिया। अब विचार करो, जिन्होंने कभी माला पकड़ी नहीं, माल पकड़ा, वो भी माला पकड़ के बैठी थी। आप विचार करके रखना, जो माल के लिए दिन रात जागते थे, बोलो माला के लिए दिन रात जागे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कैसे होड़ लगती थी, मेरा कमरे का दरवाजा नहीं लगा 10 दिन। 10 दिन का आनंद जिनने लूटा है ना, उनने ही लूटा है, बाकी के लोग तो लुट गए, इसी खोजीवीन में लुट गए। होगा क्या अंदर जाकर, पता नहीं महाराज कौन सा ऑपरेशन करेंगे, पता नहीं महाराज क्या करेंगे अंदर। लेकिन जिनने 10 दिन का, देखो ना, पिछली बार गुवाहाटी में आनंद लिया, वो बच्चे यहाँ दौड़कर आ गए कि ये आनंद मुझे छोड़ना नहीं है, गुवाहाटी वाले आकर आनंद ले लिया, कहाँ इटावा से लोग आकर आनंद ले लिया। ख्याल करना, मेरे वो जो साधक 10 दिन मेरे साथ बैठे थे, सुबह दोपहर शाम रात, मैं पूछता था कितने बजे तक, महाराज चिंता ना करो रात भर बैठूंगा मैं तुम्हारे साथ। ख्याल करो, इतना कहना चाहता हूं, भगवान ने कान दिए हैं, भगवान ने कान दिए दो, मुख दिया है एक, भगवान ने कान दिए हैं दो, मुख दिया है एक, सुनो ज्यादा बोलो थोड़ा और नेक। कान इसीलिए दो दिए, सुनो ज्यादा और बोलो कम। लेकिन अभी हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, सुनते कम हो बोलते ज्यादा। 8 बजे से 10 बजे तक मैंने सुना, तब 10 मिनट में बोलूंगा। सुनो ज्यादा बोलो कम, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। भगवान महावीर 12 वर्ष तक नहीं बोले, आप विचार करना, भगवान महावीर 12 वर्ष तक नहीं बोले। क्यों? उनके पास ज्ञान नहीं था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान जन्म से ही था, और दीक्षा लेते ही उन्हें मनोपर्याय ज्ञान भी हो गया। और मनोपर्याय ज्ञान के बाद भी उन्होंने सोचा कि मैं बोलूंगा तो झूठ हो सकता है, केवल ज्ञान का इंतजार किया 12 वर्ष तक।
बारह वर्ष के बाद केवल ज्ञान भी हो गया और फिर भी वो बोले नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी को झेलने वाला तो कोई चाहिए ना। आप विचार करना, भगवान की वाणी को झेलने वाला कोई तो चाहिए। गड़बड़ का अभाव था, भगवान को 12 वर्ष तक नहीं बोले और हम तो 4 पुस्तक पढ़ के 12 दिन में क्या 12 मिनट में बोलना सीख जाते। 66 दिन बाद भगवान की दिव्यदेशना खिली और वो भी गड़धर के आने से। हमारे गड़धर तो गए, उन्होंने कहे महाराज दीक्षा ना दे दे के हमको, तो चलो भैया निकल लो भी, लेकिन आएंगे। जो एक बार नकल में भी अच्छे काम कर लेना तो असल में भी अच्छे काम हो जाते। अच्छे काम की नकल भी तुम्हारे जीवन में कल्याण में कारण बनेगी और बुरे काम की नकल भी तुम्हारे जीवन में पतन में ही कारण बनेगी। विचार कर, इतना ही सोचना, अपने जीवन में उतना ही विचार करो जितना काम का है। हम फालतू की बातें बहुत सोचते हैं और अधिक ज्यादा सोचने वाला आदमी दुखी रहता है। कम सोचो, काम ज्यादा करो। आप विचार करना, हम सोचते बहुत हैं और करते कुछ भी नहीं। जो सोचते हो उस पर करने का प्रयास करो। एक बार कान में और मुंह में लड़ाई हो गई, कान में और मुख में लड़ाई हो गई। कान ने कहा सब लोग मुझे सुना के जाते तो कुछ बोलता क्यों नहीं। कान ने बहुत बार बोला, मुख से कहा कि सब सुना रहे हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तू बोलता क्यों नहीं। कान से मुख ने इतना ही कहा, मैं बकवास बातों का जवाब नहीं देता, फालतू बातों पर मैं ध्यान नहीं देता, मैं जो कुछ समझदारी की बात होती है उन्हें ही बोलने का प्रयास करता हूँ। ना समझ लोगों को बोलने से कोई फायदा नहीं। मनुष्य लोगों के सामने कितनी भी अच्छी बात कहो, मिलेच्छ उसका गलत ही अर्थ निकालता है। इसलिए हमें अच्छे लोगों के सामने अच्छी बातें करना चाहिए। इतना ही विचार करो, जीवन में जितना हो सके मौन रहने का प्रयास करो। तीर्थंकर की जब तक दिव्यदेशना करती है तब तक तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही तीर्थंकर योग निरोध करते हैं, मैंने बताया था नवरात्रि का पहला दिन था जब भरत चक्रवर्ती साधना पर बैठे थे और हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पावापुरी के उद्यान में बैठ गए थे। पावापुरी के उद्यान में साधना के लिए बैठ गए हैं, एक महीने तक वो बैठे रहे। योग पूरी समय चल रहा है, अभी पावापुरी का ही समय चल रहा है। पावापुरी के उद्यान में भगवान महावीर बैठे हैं, वो साधनाएं में रत हैं, वो अंदर से कर्मों को काट रहे हैं। आप पापों को काटो। आप विचार करके रखना, ये दिनों में जितनी साधना, जितना तपस्या, जितना अपने अंदर लौटने की प्रक्रिया करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। विचार करना, आज 9 दिन के बाद 10 दिन के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा सौभाग्य आज आचार्य शांति सागर जी महाराज का
सोवा आचार पद्म उत्सव हो रहा है, इसकी खुशियां हर जगह मनाई जा रही है। गुरुदेव ने मुझे दीक्षा देकर इस मोक्ष मार्ग पर आचार्य शांति सागर जी के पदों पर आगे बढ़ने की हमें योग्यता दी थी। आचार्य शांति सागर जी महाराज हम संतों की माँ हैं, माँ। आचार्य आदि सागर जी महाराज हम संतों के पिता हैं, पिता। माता और पिता दोनों मिलते हैं तो हम संत समय विचरण करते रहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आचार्य आदि सागर जी हम संतों के पिता हैं क्योंकि उन्होंने हम संतों को, आचार्य शांति सागर जी को भी इस संसार में आगे बढ़ना का प्रेरणा दी। लेकिन पिता लोप हो गए, आचार्य शांति सागर जी माँ बनकर इस सृष्टि में दक्षिण से उत्तर की ओर आकर संतों का प्रभाव बता दिया कि संत ऐसे सिंह वृत्ति से विचरण कर सकते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, आप अपने जीवन में आचार्य शांति सागर आदि सागर के शिष्यों को देख रहे हो, अपने अंदर भी वो योग्यता पैदा करना कि जिससे हमारे अंदर भी वो संतत्व उत्पन्न हो सके, हम भी अपने जीवन को प्राप्त कर सके। इतना ही विचार करो, हमारे साथ जो साधक बैठे थे, एक का नाम नहीं भूलूंगा मैं, ये अमित, खड़े होना बेटा। इसने 10 दिन तक मेरी जैसी पूरी साधना की, अभी तक बोला नहीं। बहुत अच्छा भाव, छोटे छोटे बच्चे मैसेज, उनसे भी नहीं बात की 10 दिन तक। थोड़ा सा मौन फोन का खुल के रखा था, लेकिन फिर भी उसने साधना की। और मुझे लगता है ऐसे युवा लोग जब आगे साधना करने बढ़ेंगे तो हमारा ये जैन धर्म बहुत आगे बढ़ता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बहुत सारे लोग मेरे साथ बैठे थे, हमारे श्री कृष्ण जी बाबू जी, उनके दोनों बच्चे, आप विचार करके रखना। हमारे महेंद्र जी जिन्होंने 10 दिन की उपास की साधना तो की, 10 दिन तो परिश्रम में उपास किए, ये 10 दिन में भी उन्होंने एक वक्त भी हमें छोड़ने का प्रयास नहीं किया कि महाराज के पास साधना करना है। बाकी के इटावा से हमारे बोनू भाई, रजत भाई, ये पूरा सेवा में रहे, ये विकी रात दिन रहकर सेवा भाव में कितना आगे से आगे बढ़ता रहा। बहुत सारे लोग हैं जिनके, सब लोगों ने जिन्होंने साधना की है, मेरा सबको आशीर्वाद है, मेरा सबको आशीर्वाद है। महिलाएं तरसती रहेंगी महाराज के पास, कब जाना मिलेगा, कब जाना मिलेगा। मैंने कहा 10 दिन तो शांति से रह रहे, तो बाद में तो फिर तुम्हारे पास ही आना है। आप सबसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में हमेशा मौन ना रह पाएं तो आज मेरी एक बात अपने दिल और दिमाग में रखना, हमेशा मौन ना रह पाओ तो कम से कम जब विवाद की स्थिति आए, झगड़े की स्थिति आए तो मौन हो जाना तो तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बाकी कि आप अपने समझदार हैं, अपने जीवन को कैसे आनंद में जीना है, कैसे जीवन में जीना है वैसे जीने का प्रयास करें। ओम नमः जय गुरु।